जादुई फूल। हथिनी बड़े दिनों से बीमार थी। जंगल के वैद्य बंदर ने उस पर सारी दवाइयां आजमा कर देखी, पर कोई असर नहीं हुआ। हथिनी बेचारी दिन रात दर्द से तड़पती रहती। उसके बच्चे से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। बंदर मामा, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मैं उन्हें ऐसा नहीं देख सकता। मैं उन्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा। इसका इलाज तो है बेटा, पर बड़ा मुश्किल है। वो खास दवाई हमारे जंगल में नहीं मिलती। पास ही के जंगल में पहाड़ी पर रहने वाले राइनासोर्स के झुंड के बीच इसके पौधे उगते हैं। ये पौधे बड़े ही खास किस्म के होते हैं। इनके फूल ही तुम्हारी माँ को जीवन दान दे सकते हैं। उनके मुरझाने से पहले तुम्हारी माँ को खिलाना जरूरी है। वहाँ से इन्हें लाना याने अपनी जान दाव पर लगाना है। राइनो का झुंड सबसे खतरनाक और भयंकर झुंड था। वे लोग बड़े ही आक्रामक थे, किसी भी दूसरे जानवरों को अपने आसपास तक नहीं भटकने देते। जो भी वहाँ जाता जिंदा वापस नहीं आता। पर अपनी माँ के लिए एक बच्चे ने मौत के मुंह में जाकर अपनी माँ की जिंदगी वापस लाने की ठान ली। सब जानवरों ने उसे बड़ा समझाया, पर उसने किसी की एक ना सुनी और बंदर को अपनी माँ का ख्याल रखने को कहकर वहाँ से निकल गया। पौधे और उनके फूलों के बारे में जानकर उसने पहले ही बंदर से जानकारी हासिल कर ली थी। बेचारा नन्ना हाथी निकल पड़ा एक नए साहस पर। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो उस पहाड़ी पर पहुंच ही गया। पर जब उसने चुपके से वहां का नजारा देखा तो बेचारा डर ही गया। ओ नहीं, मुझे लगा दो चार राइनो होंगे, पर यहां तो पूरी फौज है। मैं इनसे बचकर वो फूल कैसे ले जा पाऊंगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। नन्हा हाथी उनसे दूरी बनाते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर करे तो क्या करे। कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसके ध्यान में आता है कि वो आवाज पहाड़ी के किनारे से आ रही है। जरूर कोई पहाड़ी से नीचे गिर रहा होगा, ये सोचकर वो भागता हुआ उस आवाज की ओर दौड़ लगाता है। जब वो वहाँ पहुँच कर देखता है तो एक नन्हे राइनो को अपनी जान बचाते हुए लटकने की कोशिश करता हुआ पाता है। अरे दोस्त, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? एक काम करो, मेरी ये सूंड पकड़ लो, मैं अभी तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। वो मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरने ही वाला था कि तुम सही समय पर आ गए। अब एक सलाह देता हूँ, तुम जहाँ से भी आए हो जल्दी लौट जाओ। नन्ना राइनो उसे वहाँ से जान बचाकर भागने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि अगर किसी दूसरे राइनो ने उसे वहाँ देख लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। हाथी बेचारा फिर से अपनी परेशानी के बारे में सोचता हुआ वहीं पर बैठ जाता है। पर आखिरकार हिम्मत करके उस फूल को तोड़ने की ठान कर उसे तोड़ने झुंड के बीच चला जाता है कि तभी एक राइनो की नजर उस पर पड़ती है। वो देखो घुसपैठिया, पकड़ो उसे, जिंदा जाने ना पाए। ओ नहीं, रुको, मेरी बात सुनो, मैं तो बस। बेचारा हाथी कुछ कह सके इससे पहले सारे राइनो उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और उसे गुस्से से घूरने लगते हैं। उनको देखते ही हाथी की हिम्मत जवाब दे जाती है और अपनी माँ के बारे में सोचकर वो रोने लगता है। राइनो गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी एक आवाज उनको रोक लेती है। रुक जाओ, कोई इसे कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है। और तुम, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। ऐसे कैसे जाने दें, ये घुसपैठिया है, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नन्ना राइनो एक बार सबको चुप कराता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। उसकी कहानी सुनकर सब थोड़े शांत हो जाते हैं, पर फिर भी हाथी के यहाँ आने का कारण पूछने लगते हैं। हाथी बेचारा रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर सबको उस पर दया आ जाती है और वो सब मिलकर उसे फूलों से लदा एक पूरा पौधा तोहफे में दे देते हैं, जिसे देखते ही हाथी खुशी के मारे नाचने लगता है और उसके साथ नन्ना राइनो भी। आप सब बहुत बहुत अच्छे हो, अब मेरी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप सबका धन्यवाद, अभी मुझे चलना चाहिए। सबसे विदा लेकर हाथी अपने माँ के पास पहुँचता है। पौधे के साथ फूलों को लाने के कारण वो फूल मुरझाते नहीं,
जिन्हें देखकर बंदर खुश और हैरान हो जाता है और झट से उसकी दवाई बनाकर हथनी को खिलाता है और उस पौधे को पास ही के एक अच्छी सी जमीन देखकर लगाता है, जिसे आगे चलकर सबको फायदा हो। जल्द ही हथनी ठीक हो जाती है और नन्ना हाथी बस उसी में अपनी खुशी मनाकर पहले जैसा खुश रहने लगता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।